हेलो एवरीवन दिस इज राम बिश्नोई एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास नाइन्थ एस एस टी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर थर्टीन ये आपकी फिफ्थ ऑफ अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाली है जिसमें हम जियो का सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया उसको कंटिन्यू रखेंगे और डिस्कस करने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में लास्ट जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिलीफ फीचर्स के बेस पर इंडिया को हम सिक्स पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द ग्रेट हिमालय जो हम लास्ट वर्कशीट में कवर कर चुके हैं आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में ये बने कैसे हैं इनके सब डिविजन्स कौन से हैं इनके मेन फीचर्स क्या है ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में समझने वाले हैं लेट्स बिगिन चलिए शुरुआत करते हैं अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स के फॉर्मेशन की बात करें इट इज फोर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द एलिवियम कैरिड बाय द थ्री रिवर सिस्टम इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो डिपोसनल वर्क से बने किसके डिपोसनल वर्क से इंडस गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और इनकी ट्रिब्यूटरी यानी कि ये कोई भी रिवर होती है उसके थ्री फंक्शन होते हैं तीन काम होते हैं फर्स्ट वन इरोजनल वर्क होता है यानी जब वो माउंटेन से निकलती है तो वो स्लोपी एरिया होता है यानी कि ढाल ज्यादा होता है तो वहां पे कटाव ज्यादा होता है तो वहाँ पे होता तो वहाँ क्या होता है इरोजन होता है उसके बाद जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है यानी कि जो भी वहाँ से इरोड किया गया उस मटेरियल को वो ट्रांसपोर्ट करती है और जहाँ पर जो स्लोप है ढाल है वो बिल्कुल कम हो जाता है तो वहाँ स्पीड कम हो जाती है पावर कम हो जाती है तो वहाँ पर ये रिवर्स है उस इरोडेड मटेरियल को डिपोजिट कर देती है इससे बनते है प्लेन तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वो थ्री रिवर सिस्टम इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है उनके डिपोसनल वर्क से बना है इसीलिए इस प्लेन को हम इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कह सकते हैं अब बात आती है कि ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती है ट्रिब्यूटरीज मीन्स अ रिवर दैट ड फॉल इन एनी ओशियन सी और लेक एटसेट्रा इनकी वो नदी जो किसी ओशियन में किसी सी में किसी लेक में नहीं गिरती बल्कि किसी सेकंड जो बड़ी रिवर है उसको ज्वाइन करती है तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी फॉर एग्जाम्पल यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी है चंबल इज द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ यमुना ओके तो यहाँ पर पहली चीज क्लियर होगी होगी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये फॉर्म किए गए दीज आर फोर्म बाय द डिपोजनल वर्क ऑफ इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज रिवर्स ओके इसीलिए इसको हम इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन भी कह सकते हैं इट्स एक्सटेंट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो नियर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग है इट मींस दैट इट इज इक्वल टू द हिमालयन रीजन जो हिमालय की बात की थी वो भी 2400 किलोमीटर लॉन्ग है अगर इसकी विथ की बात की जाए तो इट इज टू फोर्टी टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर वाइड यानी कि 240 से 320 किलोमीटर वाइड है लेकिन अगर हम बात करें असम की तो वहाँ पे यह केवल 90 किलोमीटर वाइड है यानी कि एक नेरो बेल्ट रह जाती है ठीक अब बात करते हैं कि ये जो एरिया है जो नॉर्दर्न प्लेन है इट इज डेंसली पॉपुलेटेड घना बसा हुआ है जनसंख्या काफ़ी ज्यादा है पंजाब हरियाणा यूपी दिल्ली, बिहार वेस्ट बंगाल असम ये सभी स्टेट्स आ गए यूनियन टेरेटरी हमारी दिल्ली भी आ गई पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है थिकली पॉपुलेटेड एरिया ये तो ऐसा क्यों है तो इसके कई सारे रीज़न है फर्स्ट ड्यू टू फर्टाइल एंड ईवन लैंड विच इज़ सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चर फर्स्ट जो रीज़न है दैट दिस प्लेन इज मेड अप ऑफ द एलुअल सॉयल एलुअल सॉयल से बना हुआ एंड एलुअल सॉइल है वो मोस्ट फर्टाइल सॉयल है ये इवन एक फ्लैट एरिया आ जाता है फ्लैट एरिया तो ये फर्टाइल uh, सॉइल के कारण और फ्लैट इवन होने के कारण इट इज़ सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर सो यहाँ पर एग्रीकल्चर है वो वेल well डेवलप्ड है तो पॉपुलेशन नेचुरली यहाँ पर ज़्यादा है सेकेंड है इट इज बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी फेवरेबल है यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है एंड ये लोगों के रहने के लिए ज्यादा सुटेबल है ओके okay. तो ये फेवरेबल जो यहाँ की क्लाइमेट है वो इसका सेकंड रीजन है uh, किसका जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया इसका उसके बाद तीसरा जो मेन रीजन है दैट इज द अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर यहाँ पे वाटर भी इजिली अवेलेबल है थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया इस पर्टिकुलर एरिया से हजारों नदियाँ निकलती है एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर द पेरेनियल पेरेनियल क्या होती है सदावाहिनी जिसमें थ्रू uh, आउट द ईयर पूरे साल पानी रहता है ओके okay, तो ये यह हमारा यहाँ पे थर्ड रीजन हो जाता है और फोर्थ रीजन है दैट इज द वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे रेल रोड या एयरवेज की बात करें तो उनका डेंस नेटवर्क है यहाँ पे एक घना जाल बिछा हुआ है तो इन सब कारणों से यानी कि पहला फर्टाइल लैंड सेकेंड इवन लैंड थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर फोर्थ फेवरेबल क्लाइमेट एंड फिफ्थ डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो इन सभी कारणों से ये जो एरिया नॉर्दर्न प्लेन है वो थिकली पॉपुलेटेड है घनी जनसंख्या वाला है ओके okay, तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स अब अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन की या सेक्शन की वैसे तो जो कंप्लीट नॉर्दर्न प्लेन है वो एक जैसा ही है यानी कि एलुअल सॉयल से बना हुआ है और उसमें इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलते लेकिन फिर भी हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ द माइनर जो चेंज है उसके बेस पर हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन यानी कि बनने के आधार पे तो ऑन द बेस ऑफ द फॉर्मेशन इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइड टू द थ्री सेक्शन इसको हम थ्री सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज द पंजाब प्लेन पंजाब प्लेन को जनरली हम इंडस प्लेन बोलते हैं ओके इंडस प्लेन क्यों बोलते हैं बिकॉज दिस प्लेन इज फोर्म्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज यानी कि इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज है उन्होंने इस प्लेन को बनाया ये जो इंडस प्लेन है मेनली लाइज इन पाकिस्तान ज्यादातर जो पार्ट है वो पाकिस्तान में आता है इंडिया में केवल जो पंजाब वाला पार्ट है वही आता है इसलिए हम इसको जनरली पंजाब प्लेन कहते हैं पंजाब प्लेन का एक और मेन फीचर है दैट इज इट इज डोमिनेटेड बाय दुआब्स दुआब्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं दुआब्स क्या होते हैं लैंड एरिया बिटवीन द टू रिवर्स यानी कि ये रिवर है ठीक ये रिवर है इसके बीच में जो ये लैंड है ये जो एरिया है दैट इज द दुआब जैसे पंजाब है तो पंजाब मीन्स पांच आब है यहाँ पे सतलुज व्यास रावी चिनाब झेलम पांच नदियां उनके बीच की जगह तो सिर्फ पंजाब बोलते हैं अगर सिक्स रिवर्स होती तो हो सकता है इसको छः आप बोलते हैं क्लियर तो यहां पे क्लियर हो गया हुआ कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है ब्रॉडली इसको हम थ्री सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन फर्स्ट वन इज द पंजाब प्लेन और द इंडस प्लेन एंड इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज उसके बाद सेकेंड आ जाता है हमारा गंगा प्लेन गंगा प्लेन कौन सा है मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज नोन एज द गंगा प्लेन बिकॉज इट इज फोर्म्ड बाय गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज यानी कि गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उन्होंने मिलकर के इस प्लेन को बनाया तो इसके लिए इसको हम गंगा प्लेन कहते हैं जो गंगा प्लेन है ये घग्गर जो हरियाणा में है से तिस्ता जो वेस्ट बंगाल में वहाँ उसके बीच में आ जाता है यानी कि मेनली पंजाब के अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो हरियाणा यूपी बिहार वेस्ट बंगाल ये सारा जो प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन का ये जो पार्ट है ये गंगा प्लेन कहलाता है क्लियर उसके बाद थर्ड है दैट इज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन इट मेनली लाइज इन आसम ये मेनली असम awesome में फैला हुआ है एंड इसको ब्रह्मपुत्रा प्लेन क्यों बोलते हैं अब तक क्लियर हो गया होगा बिकॉज इट इज मेनली फोन बाय ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ ओके तो हम इसको थ्री सेक्शन में डिवाइड करें इंडस प्लेन या फिर इसको पंजाब प्लेन बोल दीजिए प्लेन गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन ठीक अब इसके अलावा यहां पर हालांकि वेरिएशंस है जो हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो बहुत कम है माइनर है लेकिन लिटिल बिट जो मेरी वेरिएशंस मिलते हैं उसके बेस पर यहाँ पर हम सिक्स और पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं ओके okay, ये तो था हमारा फॉर्मेशन के बेस पे और ये है वेरिएशंस के बेस पे ऑन द बेस ऑफ द वेरिएशंस इट कैन बी डिवाइड टू द सिक्स पार्ट्स हम सिक्स पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन इज द भाबर है ओके सेकेंड वन इज द त्राई अब हमें समझना कि भाबर क्या होता है भाबर जो है इट इज़ नेरो बेल्ट इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक यानी जैसे हम हिमालय की बात करें दिस वन इज़ द हिमालय सपोज कीजिए कि ये हमारा हिमालय तो हिमालय के फुट हिल्स में फुट हिल्स मतलब जैसे हिमालय एंड होता है प्लेन एरिया की स्टार्टिंग होती है तो वहां पर ये नेरो बेल्ट है नेरो बेल्ट कितनी ये एट टू सिक्सटीन किलोमीटर वाइड है ओके एट टू सिक्सटीन किलोमीटर वाइड एक नेरो बेल्ट है ठीक ये जो नेरो बेल्ट है यहाँ पर जो स्मॉल रिवर्स है वो डिसपियर हो जाती है अब ऐसा क्यों होता है तो यहाँ पे थोड़ा समझिए कि जो भाबर क्या है भाबर इज़ ए नेरो बेल्ट ऑफ एट टू सिक्सटीन किलोमीटर वाइड एंड मेनली दिस बेल्ट इज़ फुल ऑफ द लार्ज साइज ऑफ़ द स्टोन्स एंड द पेबल्स यहाँ पे कंकर पत्थर जो बड़े आकार के बड़े साइज़ के वो यहाँ पर मिलते हैं तो क्योंकि जो कंकर पत्थर मिलते हैं तो यहाँ एक तरीके से जो स्मॉल रिवर्स हैं उनका वाटर वो अंडरग्राउंड हो जाता है क्योंकि कंकर पत्थर है तो नीचे से ही पानी निकल जाता है क्योंकि उसमें पानी है वो काफ़ी कम है ओके okay. तो इसलिए ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज नॉट मच सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर और स्पारशली पॉपुलेटेड है पॉपुलेशन भी इस एरिया में कम मिलती है क्लियर तो भाबर क्या है भाबर इज अ नेरो बेल्ट इन द फुट्हील्स ऑफ द शिवालिक एंड इट इज फुल ऑफ द पेबल्स एंड द स्मॉल साइज स्टोन से भरा हुआ ये एंड दैट इज नॉट मच सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर स्पार्शली पॉपुलेटेड है कम पॉपुलेशन मिलती है एंड स्मॉल जो स्ट्रीम्स है या फिर स्मॉल जो रिवर्स है डिस इन दिस पार्ट इस पार्ट में वो गायब हो जाते हैं अंडरग्राउंड हो जाते हैं क्लियर तो ये हो गया हमारा भाबर अब भाबर के जो साउथ में है जो हमारा भाबर हो गया यहाँ पर भाबर के साउथ में त्राई है साउथ ऑफ द भाबर वेयर द स्ट्रीम री एमर्ज ऑन द अर्थ ऑन द लैंड यानी कि यह जो आ गया त्राई जो त्राई है ये 15 टू 30 किलोमीटर वाइड बेल्ट है 15 टू 30 किलोमीटर यानी कि ज्यादा चौड़ी बेल्ट है और इस बेल्ट में क्या है कि द स्ट्रीम्स दैट डिस्पियर इन द भाबर जोन भाबर जोन में जो डिस्पियर हो चुकी थी गायब हो चुकी थी अंडरग्राउंड हो चुकी थी वो रीअमर्ज हो जाती है यानी कि वापस धरती के ऊपर आ जाती है एंड क्रिएट ए वेट एंड स्वैम्पी मार्शी रीजन ये एक दलदल वाला है एक नम इलाका बन जाता है एंड दैट इज फुल ऑफ फॉरेस्ट यानी कि यहां घने जंगल पाए जाते हैं ओके okay, तो ये जो भाबर के साउथ में फिफ्टीन टू थर्टी किलोमीटर वाइड जो बेल्ट है ये तराई कहलाती है ठीक यहाँ पे जो रिवर्स है द रिवर्स दैट डिस्पेयर इन द भाबर जोन री एमर्ज हियर वापस धरती के ऊपर आ जाएगी सेकेंड थिंग दिस इज द वेट एंड स्वेम्पी लैंड एंड दैट इज फुल ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे थिकली फॉरेस्ट पाए जाते हैं अभी की बात की जाए एट प्रेजेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर द दर्पज ऑफ द एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के पर्पज से उनको क्लियर कर दिया गया साफ कर दिया गया ठीक ये आपका त्राई है तो यहां पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाभर कौन सी और त्राई कौन सी बेल्ट है जब हम एग्जाम देते हैं तो आप अल्फाबेटिकली करोगे बी फॉर भाभर सबसे पहले भाभर आएगी और टी फॉर त्राई जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है तो वो आपकी त्राई रहेगी क्लियर तो ये लिटिल बिट वेरिएशन है अदरवाइज यहां पर भी एल्यूल सॉयली होती है उसके बाद बात की जाए बांगर एंड खादर की इसको भांगर भी बोल सकते हैं और इट कैन बी पनेंसड एज बागर इसकी पनेंशन है वो बांगर भी हो सकती है और भाबर भी हो सकती है क्लियर तो बांगर की अगर बात की जाए और भाबर की बात की जाए तो ये दोनों ही एलुवियल सोयल है ठीक जो बांगर है और खादर है दोनों क्या है एलुवियल सॉइल है अब डिफरेंस क्या है जैसे हम सपोज करते हैं कि रिवर है जो रिवर के आसपास का जो एरिया है लो लाइंग एरिया है वहाँ पर खादर सोयल होती है ठीक दिस इज द खादर क्या खादर इज ए लो लाइंग एरिया है एंड इट इज़ फ्लडेड एवरी ईयर हर साल यहाँ पे बाढ़ आ जाती है एंड बाढ़ आने के कारण क्या होती है एक नई लेवर लेयर है यहाँ पे डेवलप हो जाती है सो so, ये जो सॉयल है खादर सॉयल है इट इज़ न्यू एलिवेल सॉयल इट इज़ कंपेटली मोर फर्टाइल एंड मोर सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर खेती के लिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि नई मिट्टी है नई मिट्टी कहाँ से आई क्योंकि ये नीचा इलाका है ठीक और हर साल इसमें बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई तो एक नई लेयर यहाँ पर बिछ जाती है इसके कारण ये नई जलोड होगी न्यू जलोड होगी न्यू एलिवेल सॉइल होगी ओके ज्यादा फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा सूटेबल है जो बात करते हैं आ, बांगर की इट इज ए एरिया फार फ्रॉम द रिवर यानी कि नदी से दूर का इलाका है एंड दीज आर द हाईलैंड ऊंची जमीन है एंड इट डजेंट फ्लडेड एवरी ईयर इट डजेंट गेट फ्लडेड एवरी ईयर हर साल इसमें फाड़ नहीं आती ठीक अब जब फ्लड नहीं आती तो क्या होता है यहाँ से एलिवेल सॉइल तो है लेकिन ये ओल्ड एलिवल सॉइल है कंपेर्टिवली लेस फर्टाइल है फर्टाइल तो है लेकिन खादर से कम्पेयर करें तो कंपेर्टिवलीस फर्टाइल है एंड लेस सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर ठीक तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो रिवर के आसपास का इलाका है वो क्या है वो खादर है न्यू एलिवेल सॉइल है ओके और जो बांगर क्या है दिस इज ए फार एरिया फ्रॉम द रिवर साइड रिवर साइड से दूर का इलाका है हाईलैंड है एंड जो खादर है वो हर साल यहाँ पर फ्लड आती है जबकि बांगर में फ्लड नहीं आती है ओके okay. और इसी के कारण खादर है वो कंपेटली ज्यादा फर्टाइल है जबकि बांगर है वो कंपेटली लेस फर्टाइल है क्लियर तो ये हो गया भाबर त्राई खादर एंड बांगर तो ये था हमारी आज की वर्कशीट का फर्स्ट सेगमेंट जिसमें हमने वर्कशीट को समझा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की फाइव इजी क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस वर्कशीट फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया विच रिवर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स नेम एनी थ्री कौन सी रिवर्स हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाती है हमें एनी थ्री रिवर्स के नेम मेंशन करने हैं यहां पे राइट करने हैं ओके सो द नॉर्दर्न प्लेन इज फोन बाय द डिपोजनल वर्क बाय द थ्री रिवर सिस्टम इंडस गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज तो थ्री रिवर्स के नेम है आप ओनली इन्हीं को भी मैंशन कर सकते हो इंडस गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन है वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो डेंसली पॉपुलेटेड है ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे ऐसा क्यों है तो इसके कई सारे रीजन है फर्स्ट वन इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर ये एक फर्टाइल एरिया है ओके okay, यानी कि ये एल्यूवेल से बना फर्टाइल एरिया है एंड इट इज सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर वाटर इजली अवेलेबल है यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स फ्लोज थ्रू दिस रीजन और सभी रिवर्स पैरेनियल है जिसमें पूरे साल पानी रहता है उससे नहरें भी निकाली गई है ओके तो इरीगेशन की फैसिलिटीज भी यहाँ पर अवेलेबल है थर्ड रीज़न फेवरेबल क्लाइमेट यहाँ की जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल है यानी कि ज़्यादा गर्म भी नहीं है ज़्यादा ठंडी भी नहीं है तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है फोर्थ वन वेल डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे एक डेंस नेटवर्क है रोडवेज का रेलवेज का तो ये भी अट्रैक्ट करता है लोगों को ओके तो ये फोर बेसिक रीजन है जिसके कारण ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया उसकी बात की जाए थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो कैसे बने ओके सो इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजनल वर्क ऑफ डिपोजन ऑफ द एलवीएम कैरिड बाय द थ्री रिवर सिस्टम इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूटरीज यानी कि कैसे बने ये बने हैं किससे डिपोजन ऑफ द एलवीएम से अब ये एलवीएम कौन लेके आए बाय द रीड बाय द थ्री रिवर सिस्टम इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लस देयर ट्रिब्यूटरीज तो इन से ये बना है हमारा नॉर्दन प्लेन क्लियर तो यहाँ पे आपको याद रखना थ्री रिवर सिस्टम और सेकंड जो डिपोशनल वर्क है उससे ये बने नाउ लेट्स मोटू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फोर्थ वन फोर्थ वन क्वेश्चन है वाई इज द त्राई रीजन डेंसली फॉरेस्टेड जो त्राई इलाका है वहां पर घने जंगल पाए जाते हैं ऐसा क्यों है द त्राई रीजन इज वेट स्वैंपी एन मार्शी दैट्स वाई इट इज डेंसली फॉरेस्टेड ये एक नम वाला वेट इलाका है स्वैम्पी है मार्श इलाका है और ऐसे इलाकों में इजली फॉरेस्ट और डेवलप हो जाते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया नेम एनी वन खादर एरिया ऑफ डेली एक्सप्लेन वाई इज इट सो फर्टाइल हमें डेली का कोई एक खादर एरिया बताना है और हमें बताना है कि ये इतना फर्टाइल क्यों है सो द लैंड नेक्स्ट टू द यमुना रिवर इज़ द खादर एरिया ऑफ डेली यानी कि यमुना के आसपास की जो ज़मीन है वो खादर एरिया है क्लियर जैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न uh, की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो खाद्र एरिया आ जाता है लगभग कंप्लीट ओके एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल बिकॉज न्यू लेयर्स ऑफ द सॉयल आर डिपोजिटेड ईयर आफ्टर ईयर ड्यूरिंग द मानसून फ्लड यानी मानसून में जब फ्लड आती है तो हर साल एक नई लेयर यहाँ पर भी जाती है और न्यू लेयर मिल्स न्यू एलिवेल सॉइल और न्यू एलिवेल सॉइल मिल्स इट इज़ कम्पर्टली मोर फर्टाइल ज़्यादा फर्टाइल होती है क्लियर तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट जिसमें हमने नॉर्दर्न प्लेन को समझा कि नॉर्दर्न प्लेन बने कैसे हैं नॉर्दर्न प्लेन के मेन फीचर्स क्या हैं इसको इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन क्यों कहा जाता है इसके मेन सेक्शन कौन से हैं और इसमें जो वेरिएशन स्लाइटली वेरिएशंस पाई जाती है तो वो कौन कौन सी है उम्मीद करता हूँ सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू बाय बाय है नाइस डे